आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ आलू आलू पेस्ट्री बनाने। तो इसके लिए मैं मैदा ले ली हूँ 500 ग्राम, और इसी में डाल रही हूँ मंगरेल और नमक डाल रहे हैं। वो डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और यहीं पे रिफाइंड डाल रहे हैं। रिफाइंड या आपके पास देसी घी हो जो और खा रहे हैं आप, वही डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिफाइंड डाल रही हूँ। डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मेरे मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं मुट्ठी कितना अच्छे से बंध रहा है। तो इसको पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, इसको बिल्कुल जैसे आटा मारते हैं उसी तरह इसको नरम गूंथ लेना है। इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए मेरा। तो मेरे पूरा अच्छी तरह से आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब इसको पॉलिथीन में 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छी तरह से मेरा सेट हो जाए तो अब इसको रख दिए हैं 15 मिनट के लिए। तो आलू पेटीज के लिए मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, आलू लेकर उबाल लिए हैं। अब इसको छिलका हटा लेते हैं। तो आलू को छील लिए हैं, अब आलू को मैश कर लेते हैं। आलू को ज़्यादा फोड़ना नहीं है ताकि चोखा भूजते भूजते तो खुद ही छोटा टुकड़ा हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा इसको नहीं तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई मैं रख ली हूँ, और इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ। सरसों तेल डाल दिए हैं। अब यहीं पे जीरा डालेंगे। जीरा डाल दिए हैं। जीरा मेरा चटक गया है। अब यहीं पे अदरक डाल रहे हैं। अदरक और मिर्चा साथ में डाल रहे हैं। जीरा अदरक भिजा गया अच्छा से, मिर्चा, और डाल रहे हैं यहीं पे कड़ी पत्ता। यहीं पे हल्दी डाल रहे हैं, और 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर। अब यहीं पे गरम मसाला डाल रहे हैं। डालकर इसको अच्छे से चला लेंगे। अब यहीं पे आलू को डाल रहे हैं। आलू को डालकर अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। अब यहीं पे नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। लास्ट में धनिया पत्ता डाल रहे हैं। तो मेरा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। तो मेरा मैदा अच्छी तरह से सेट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं सॉफ्ट हो गया है। अब इसका छोटा छोटा लोई बना लेते हैं, बिल्कुल इस साइज का बनाना है। तो छोटा लोई बना लेते हैं। लोई बनाकर इसका चकला तैयार कर लेते हैं। इतना बड़ा बड़ा रोटी हमको रखना है, 6 रोटी बनाएंगे, और बिल्कुल जितना ही पतला रहेगा उतना ही आपका अच्छा पेटीज बनेगा। तो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 3 चम्मच रिफाइंड लिया है, और 3 चम्मच ही अरारोट डालेंगे।
डालकर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। इसका घोल तैयार कर लिए हैं तो इस पे घोल लगा लेते हैं, चारों तरफ से लगा लिए हैं। और फिर दूसरा परत इसी पर रख रहे हैं, रखकर इस पे भी लगा लेंगे। तो पांचवा मेरा रोटी वहाँ पे लगा लिए हैं, अब छठा परत लगा रहे हैं। अब इस पे नहीं लगाना है, अब इसी तरह इसको हम पतला बेल लेंगे। तो मैं रोटी बेल कर तैयार कर ली हूँ। अब इसको यहाँ साइड से इसको मोड़ते जाएंगे, पूरा अच्छी तो टाइट ना मोड़ते जाएंगे। इसको मोड़ते जाएंगे, मोड़ कर इसको साइड से थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे, दोनों तरफ से निकाल लेते हैं। इसमें दो दो इंच का और कट कर लेंगे। हाँ, दो दो इंच का कट कर ले, छह पीस बनाना है हमको। छह पीस बनाना है। अब इसको अब हाथ के सहारे से ऐसे धीरे से आगे तरफ फैला लेना है इसको। फिर इसको बेल लेंगे, अब साइड से काट कर इसको निकाल लेंगे। चारों तरफ से निकाल कर अब इसमें जो चोखा आलू का स्टेपन बनाए थे उसको इसमें डाल लेंगे। डालकर जो घोल बनाए हैं इसको चारों तरफ लगा लेंगे। लगाकर इसको बिल्कुल यहाँ पे लाकर इस तरह से सटा लेंगे। अब पूरे इसको तैयार कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है और रिफाइंड गर्म हो गया है। अब इसी में पेस्ट्री डाल रहे हैं और फ्लेम को हाई नहीं रखना है, लो ही रखना है। तो हम इसको पलट ले रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सिक रहा है मेरा। तो यहाँ पे किनारे किनारे पानी लगा ले रही हूँ, पानी लगाकर ताकि अच्छे से मेरा चिपक जाए पेटी। और तलते टाइम, फ्राई करते टाइम इसका मुंह ना खोले, इसलिए हमको पानी लगाना है। तो मेरा पेटी बनकर तैयार हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका कितना अच्छा लेयर दिखाई दे रहा है। तो मेरा फाइनली आलू पेटी तैयार है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।